हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप 180 सीसी सेगमेंट में कोई बाइक खरीदने की सोच रहे होंगे तो ऐसे में आपके सामने बहुत ही कम ऑप्शन आते हैं 180 सीसी सेगमेंट में। लेकिन वही अगर आप 200 सीसी सेगमेंट में या फिर 160 सीसी सेगमेंट में खरीदने की सोचते हैं तो वहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन 180 सीसी में बहुत ही कम ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से बजाज के पल्सर आते हैं, टीवीएस के अपाचे आते हैं। इसके अलावा होंडा में भी हॉर्नेट 184 सीसी सेगमेंट में आने लगी है। तो अगर आप टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 और बजाज पल्सर 180F में कंफ्यूज है कि किसको लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन्हीं दोनों बाइक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जो बाइक 160 सीसी सेगमेंट में आती है उसका प्राइस और जो बाइक 180 सीसी सेगमेंट में आती है, इन दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जो लोग थोड़ी सी पावरफुल बाइक चाहते हैं तो ऐसे में वो 180 सीसी सेगमेंट में उसी प्राइस रेंज में बाइक को खरीदना पसंद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन बाइक्स के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर ऑप्शन की। तो अपाचे आरटीआर 180 में आपको टोटल चार कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पर्ल व्हाइट, मैट ब्लू, ग्लॉस ब्लैक और टी ग्रे शामिल है। तो बजाज पल्सर 180F में आपको तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ब्लैक रेड, नियॉन ऑरेंज और ब्लैक सिल्वर शामिल है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा कलर ऑप्शन आपको अपाचे में मिल जाता है। तो वही डिजाइनिंग की बात करें तो दोनों ही बाइक अलग अलग सेगमेंट में आती हैं। अपाचे थोड़ी सी रेसिंग स्पोर्टी सेगमेंट में आती है, लेकिन वही बजाज पल्सर 180F सेमी फेयरिंग बाइक के सेगमेंट में आती है, जिसकी वजह से इसके दोनों के डिजाइन में काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन दोनों बाइक देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपाचे की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो इसे आप फ्रंट से देख सकते हैं, यहाँ पे काफी स्टाइलिश हेडलैम्प मिल जाता है और इसकी जो DRS दी गई है वो काफी अच्छी लुक देता है। इसके फ्रंट फेंडर पर भी अच्छी सी ग्राफिक्स की गई है, इसका टर्न इंडिकेटर लाइट भी काफी स्टाइलिश दिया गया है और इसकी फ्रंट सस्पेंशन भी गोल्डन कलर की देखने को मिल जाती है। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसकी आप व्हील पे देख सकते हैं, काफी अच्छी स्ट्रिप दी गई है। नीचे इंजन कॉल पे TVS रेसिंग लिखा हुआ मिल जाता है। इसकी टैंक डिजाइन काफी स्टाइलिश मिल जाती है, एरोडायनामिक डिजाइन के मिल जाता है और RTR की बैजिंग दी गई है और ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। टैंक के ऊपरी हिस्से पे भी अच्छी सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। साइड पैनल पे अपाचे लिखा हुआ है, पीछे RTR की बैजिंग मिल जाती है। सीट भी काफी अच्छी मिल जाती है, पीछे ग्रेवरेल दिया गया है और इसमें अच्छे से ट्रेल लैंप भी मिल जाते हैं। और इसके एग्जॉस्ट सिस्टम पे आपको क्रोम पार्ट देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो वही बजाज पल्सर 180F की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, तो इसको भी आप पहले फ्रंट से देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसका हेडलैम्प है वो काफी अलग डिजाइनिंग की मिल जाता है। इसका हेडलैम्प और इसका पोजीशन लैम्प भी काफी स्टाइलिश देखने को मिल जाता है। तो इसकी फ्रंट डिजाइन को आप देख सकते हैं। इसके फ्रंट में हल्की सी आपको कलर वाली ग्राफिक्स इसके हेड पे मिल जाती है, बाकी कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डिजाइनिंग काफी परफेक्ट की गई है। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके भी व्हील पे आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाती है बॉडी कलर की। ये सेमी फेयरिंग बाइक है, तो इसका टैंक डिजाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कलर वाली ग्राफिक्स मिल जाती है। टैंक पे पल्सर 3D लिखा हुआ मिल जाता है। साइड पे हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है, नीचे इंजन कॉल पे हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है। पीछे जो ग्रेबरेल दिया गया वो भी बॉडी कलर की देखने को मिल जाती है और 180F की बैजिंग मिल जाती है पीछे के साइड। इसके अलावा इसमें स्प्लिट सीट दी गई है। तो इसके रियल प्रोफाइल की बात करें तो आप पीछे से देख सकते हैं इसका टेल लैंप जो कि स्प्लिट देखने को मिल जाता है, और ये पल्सर की पीछे वाली लुक ही लोगों को काफी पसंद भी आती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों की जो डिजाइनिंग थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, तो जिसकी डिजाइनिंग आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग सेगमेंट में आती है, तो यहाँ पे आपको आसानी होगी कि किसको लेनी चाहिए, ये आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज और भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपाचे का हैंडलिंग है वो आपको बाकी अन्य स्पोर्ट्स बाइक जैसे मिल जाती है, लेकिन वही बजाज पल्सर 180F में इसके हैंडलिंग जो है थोड़ी सी अलग आपको मिल जाती है। अगर आप ऐसे हैंडलिंग चलाना पसंद नहीं करते हैं कि केवल हैंडल्स मुड़े और फ्रंट वाला हिस्सा जो कि ना मुड़े, तो अगर ऐसे बाइक से चलाना नहीं पसंद करते हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो ऐसे में आप अपाचे को ले सकते हैं। तो इंजन की बात कर लेते हैं, तो TVS अपाचे RTR 180 में 177.4 सीसी का SI 4 स्टॉक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो ये बजाज पल्सर 180F में 178.6 सीसी का 4 स्टॉक SOSE 2 वाल्व एयर कूल्ड BSS कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो यहाँ पे इंजन के मामले में ऑयल कूल्ड आपको अपाचे मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। पावर फिगर की बात करें, अपाचे का इंजन 8500 RPM पर 12.35 किलोवाट का पावर, जबकि 7000 RPM पर 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये पल्सर का इंजन 8500 RPM पर 12.5 किलोवाट का पावर, जबकि 6500 RPM पर 14.52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी पावर फिगर आपको पल्सर में देखने को मिल जाती है, लेकिन वही जो टॉर्क की बात आती है तो अपाची में टॉर्क आपको पल्सर से ज्यादा बेटर मिल जाता है। तो थोड़ी सी पावरफुल आपको पल्सर मिल जाती है, लेकिन जो इनिशियल पिकअप है वो आपको अपाचे में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो
तो इन दोनों में आपको 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाता है और इन दोनों में केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर दिया गया है, किक स्टार्टर दोनों में नहीं मिलता है। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के सस्पेंशन की। तो टीवीएस अपाचे के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क्स और रियर में मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक विद स्प्रिंग एड सस्पेंशन दिया गया है और ये सस्पेंशन 5 स्ट्रिप एडजस्टेबल भी है। तो ये बजाज पल्सर में फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट और रियर में 5 स्ट्रिप एडजस्टेबल नाइट्रोक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है। तो दोनों बाइक कंफर्टेबल के मामले में अच्छी है, लेकिन आप चाहें तो इन दोनों का टेस्ट राइड लेकर आप अपना कंफर्टेबल खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं दोनों के टायर और ब्रेक्स की। तो टीवीएस अपाचे के फ्रंट में 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो बजाज पल्सर के फ्रंट में 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 120x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो फ्रंट टायर है दोनों में सेम दिया गया है, लेकिन जो रियर का टायर है बजाज पल्सर में थोड़ी सी चौड़ी देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो अपाचे के फ्रंट में 270mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 200mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो पल्सर के फ्रंट में 280mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो यहाँ ब्रेकिंग सिस्टम के भी मामले में बजाज पल्सर थोड़ी सी आगे है। तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स की कि दोनों में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो टीवीएस अपाचे में सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल का एबीएस दिया गया है। तो ये सिंगल चैनल का एबीएस आपको पल्सर में देखने को मिल जाता है। टीवीएस अपाचे 180 में हैलोजन हेडलैम्प के साथ एलईडी पोजीशन लैंप दिया गया है। तो ये बजाज पल्सर में हैलोजन हेडलैम्प और ट्विन पायलट लैंप देखने को मिल जाता है। टीवीएस अपाचे के टेल लैंप में एलईडी लाइट दिया गया है और एलईडी टेल लाइट आपको बजाज पल्सर में देखने को मिल जाता है। टीवीएस अपाचे में GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कि बिना थ्रोटल दिए बाइक को कम स्पीड में ट्रैफिक के समय चला सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फीचर्स आपको बजाज पल्सर में देखने को नहीं मिलता है। टीवीएस अपाचे 180 के टैंक पर रेसिंग ग्राफिक्स दिया गया है। तो बजाज पल्सर सेमी फेयरिंग में आती है, तो यहाँ पे कोई ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हल्की सी आपको फेयरिंग लुक देखने को मिल जाती है। टीवीएस अपाचे में सेमी डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें एनालॉग में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, तो वहीं डिजिटल में स्पीड, ऑडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल और ट्रिप की जानकारी मिल जाती है और 0-60 लैप टाइमर भी देखने को मिल जाता है। तो बजाज पल्सर 180F में सेमी डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें एनालॉग में RPM मीटर मिल जाता है और यहीं पे RPM लिमिट का इंडिकेटर भी दिया गया है। इसके अलावा इसके डिजिटल में फ्यूल, स्पीड, ऑडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर और ट्रिप की जानकारी देखने को मिल जाती है। तो दोनों में ही आपको सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होनी चाहिए। टीवीएस अपाचे में जो है रेसिंग सीट मिल जाती है, जो कि स्प्लिट नहीं है, लेकिन पीछे के साइड यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाता है। लेकिन वही पल्सर 180F में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है और स्प्लिट ग्रैब रेल भी दिया गया है। टीवीएस अपाचे में इंजन काउल लगा हुआ है और इंजन काउल आपको बजाज पल्सर 180F में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक चीज टीवीएस अपाचे में और भी नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है जो कि क्रैश गार्ड पे लगा हुआ है और ये काफी अच्छी चीज है। अगर आपकी बाइक बाय चांस कभी गिर भी जाती है, जिससे कि आपके गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये स्लाइडर की तरह वर्क करेगा। लेकिन ऐसा कुछ आपको बजाज पल्सर में देखने को नहीं मिलता है, अलग से आप हालांकि लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के मैंने आपको फीचर्स बता दिए हैं, जिसका फीचर आपको ज्यादा अच्छा लगे, जो आपके ज्यादा काम की हो, उस वाले बाइक को आप ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की। लेकिन माइलेज और टॉप स्पीड बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं जो भी माइलेज और टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो टीवीएस अपाचे RTR 180 BS6 में आपको 45-50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, तो बजाज पल्सर में भी आपको 45-50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। तो माइलेज के मामले में दोनों बाइक काफी सिमिलर है, थोड़ी सी ज्यादा आपको माइलेज हो सकती है कि अपाचे में मिल जाए। लेकिन जो ये बात आती है दोनों के टॉप स्पीड की, तो टीवीएस अपाचे की जो टॉप स्पीड है 125 kmps तक है, लेकिन वही बजाज पल्सर 180F में आपको काफी अच्छी टॉप स्पीड मिल जाती है, लगभग 138 kmps तक अप्रॉक्स टॉप स्पीड इसकी मिल जाती है। लेकिन ये जो भी टॉप स्पीड चेक किया जाता है वो काफी सेफ्टी के साथ चेक किया जाता है, तो आप इतनी स्पीड में बाइक को ना चलाएं तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप टॉप स्पीड चेक भी करना चाहते हैं तो पूरी राइडिंग गियर्स के साथ और काफी सेफ्टी के साथ ही आप टॉप स्पीड चेक करें। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी जो टॉप स्पीड है वो बजाज पल्सर 180F में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अपाचे RTR 180F में एक चीज और भी कमी देखने को मिलती है कि ये बाइक जब ये 90 kmps से ज्यादा स्पीड में जाती है तो इसमें वाइब्रेशन भी स्टार्ट होने लगता है, तो ये थोड़ी सी कमी देखने को मिली है इस बाइक में। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के डायमेंशंस की। तो अपाचे RTR 180 का लेंथ 2085mm, व्हील 730mm, हाइट 1105mm, व्हील बेस 1300mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm, सीट हाइट 790mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर और इसका कर वेट 141 kg है। तो ये बजाज पल्सर 180F का लेंथ 2035mm, व्हील 750mm, हाइट 1165mm, व्हील बेस 1350mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm, सीट हाइट 795mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर और इसका कर वेट 156 kg है। यहाँ पे ग्राउंड क्लीयरेंस अपाचे RTR में थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, सीट हाइट थोड़ी सी कम आपको अपाचे मिल जाती है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज्यादा पल्सर में मिल जाता है, तो इन दोनों में थोड़ी सी हल्की आपको अपाचे मिल जाती है।
तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 बीएसएस का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 108,270 यानी कि 108,270 रुपए तक है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो लगभग आपको दिल्ली में 129,200 यानी कि 129,200 रुपए तक मिल सकती है। तो बजाज पल्सर 180F का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 114,515 यानी कि 114,515 रुपए तक है। अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में 132,700 रुपीज यानी कि 132,700 रुपए के आसपास मिल सकती है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी सस्ती अपाचे मिल जा रही है। तो अगर आप थोड़े से अपने पैसे बचाना चाहते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो ऐसे में आप अपाचे को ले सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों बाइक्स रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो जो आपको बेटर लगा हो उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो के बीच बीच में आपको ये भी बता दिया है कि किस मामले में कौन सी बेटर है और इन दोनों में क्या कमी थी, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। और एक पॉइंट मैंने आपको बीच में और भी बताया था कि अगर आपको हैंडलिंग जिसकी पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको 180F का हैंडलिंग पसंद नहीं आता है, अगर आप इस तरीके के हैंडलिंग वाली बाइक चलाना नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसे में आप अपाचे को ले सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों बाइक कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों बाइक से रिलेटेड बस इतना ही। अगर आपके मन में अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा इन दोनों में से कौन सा आपको पसंद आई है या फिर कौन सा आप यूज करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।